Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये क्लासिक इंडियन ब्राइडल लुक वी आर गोइंग टू डू हाफ कट क्रीज आई मेकअप एंड रेड लिप्स उसके साथ हम करेंगे प्रॉपर ब्राइडल बेस और जो आज सारे हम प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी हाई एंड एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स सो यू गाइज विल गेट टू नो विच प्रोडक्ट्स आई पर्सनली यूज फॉर माई ब्राइड्स लेट्स गेट स्टार्टेड लेंसेज मैंने लगा ली है लेंसेज मैंने हेजल कलर की लगाई है बिकॉज हमारा आउटफिट रेड है तो इट गोइंग वेल टूगेदर स्किन प्रेप कर लिया है स्किन प्रेप के लिए मैंने सबसे पहले फेस मिस्ट किया है ड्राई डाउन टाइम देना है ताकि आपके स्टेप्स मिक्सअप ना हो और आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट हो बेस में इसके बाद मैंने पैक का एक्वाग्रिप प्राइमर लगाया है नाउ दिस प्राइमर इज वेरी गुड वेरी लाइट वेट प्लस आपके मेकअप को वाटर रेजिस्टेंट भी बना देता है सो आई हैव अप्लाइड और उसके बाद भी मैं थोड़े टाइम के लिए वेट करूंगी ताकि स्किन में अच्छे से सारे स्टेप्स एब्जॉर्ब हो जाए फिर मैं जब उसके बाद बेस मेकअप लगाऊं तो बेस मेकअप जाके स्किन प्रेप के साथ मिक्सअप ना हो स्लिप एंड स्लाइड होके मूव ना हो Now, यहाँ जो मेरी मॉडल है यू कैन सी के उनको नोज पे अंडर आईज पे और चिन पे हाइपर पिगमेंटेशन का इश्यूज है और ये हाइपर पिगमेंटेशन आप देखोगे तो इट इज अबिट डार्क इन कलर इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसे हाइट करना इट इज वेरी इजी बहुत सिंपल स्टेप्स में आप कोई भी डार्कनेस को अनईवन स्किन टोन को हाइड कर सकते हो तो अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनको डीप डार्क सर्कल्स है या फेस पे स्पॉट्स है आ, कहीं पे भी डार्क स्पॉट then you can use these steps. हम कलर करेक्टिंग करेंगे कलर करेक्टिंग के लिए मैंने टू फेस्ट का कंसीलर यूज किया है ना जब भी आपके पास ऐसी हाइपर पिगमेंटेशन या ऐसी स्किन आती है ना जिस पे डीप डार्क सर्कल्स है या ज्यादा डार्कनेस है तो आपको हमेशा फुल कवरेज कंसीलर्स ही यूज करना है फुल कवरेज कंसीलर्स यूज करने का ये फायदा होता है कि कम क्वॉंटिटी में आप आराम से वो डार्कनेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हो अगर आपके कंसीलर में कवरेज ही नहीं है आपका कंसीलर कवर ही नहीं कर पा रहा है तो आप लेयर्स लगाते रह जाओगे और वो वो कवर नहीं होगा, केकी दिखने लगेगा। इसीलिए भले ही affordable range हो, high end range हो, हो in कि आप कम quantity लगाओ तो भी भी अच्छे से cover up हो जाए। अभी यहाँ पे concealer करते साथ जो डार्कनेस थी अंडर आईस पे माउथ के अराउंड नोज पे सब एकदम हाइड हो गई है वन मोर इम्पोर्टेंट स्टेप आफ्टर दिस इज टू सेट योर करेक्टर वेन यू आर डीलिंग विथ ऐसे डीप डार्क सर्कल्स इससे क्या होगा कि जब आपने कंसीलर को सॉरी uh, करेक्टर को सेट किया है तो आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपका करेक्टर और फाउंडेशन मिक्स नहीं होगा अगर आप पाउडरिंग वाला स्टेप स्किप करोगे तो हो सकता है कि जब आप उसके ऊपर करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन लगा के ब्लेंड करो तो करेक्टर की इंटेंसिटी कम हो जाए और वो आपके फाउंडेशन में मिक्स हो जाए टू प्रिवेंट दिस सिंपल सा छोटा सा स्टेप करना है आप अपने करेक्टर को भी एकदम लाइट लेयर ऑफ पाउडर से सेट कर दो ताकि आपका करेक्टर भी टिका हुआ रहे और उस पर आप फाउंडेशन ब्लेंड करो तो भी नीचे से कवरेज ना हटे

मैंने अभी तक कितने वीडियोस डाले हैं सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करके और मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या के हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ब्राइट पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कोर्स आप कर सकते हो स्पेशली अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो और आपका उतना बजट नहीं है कि आप पाँच छह हजार के फाउंडेशन में इन्वेस्ट करो यू कैन स्टार्ट विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपका काम और आपकी टेक्निक्स अगर अच्छी है तो आप अफोर्डेबल से करो या हाई एंड से आपके मेकअप की फिनिश अच्छी ही आएगी ना फाउंडेशन लगाने के और ब्लेंड करने के बाद मैंने क्रीम ब्लश लगाया है क्रीम ब्लश के लिए अगेन मैंने इनसाइड का ही ब्लश यूज किया है बिकॉज ये बहुत क्रीमी है इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है बहुत ओवरली पिगमेंटेड नहीं है बहुत माइल्ड भी नहीं है तो लग गाओ ब्लेंड करो तो बहुत अच्छा दिखता है आई फील लाइक अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में कोई ऐसे स्टेपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो तो वही प्रोडक्ट्स आप हाई एंड में जाके खरीदो ऐसा ज़रूरी नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम ब्लश हो गया या मस्करा हो गया लाइनर हो गया ऑल दीज प्रोडक्ट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमर्स या कंसीलर्स लूज पाउडर्स फाउंडेशन ये सारे प्रोडक्ट आप ये सारे प्रोडक्ट्स में आप हाई एंड में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट मिलते ही है बट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है जैसे क्रीम ब्लश प्रोडक्ट्स काजल लाइनर ये सब आप थोड़ा मिड रेंज में भी लेते हो तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते ही है क्रीम ब्लश ब्लेंड करने के बाद आई हैव अप्लाइड कंसीलर एंड फॉर हाई लाइटिंग कंसीलर आई हैव अगेन यूज टू फेस्ट का कंसीलर टू फेस्ट के कंसीलर्स आर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, आपको नहीं मिलता है। और टू फेस्ट के साथ टाइम मिलता है आपको कवरेज भी मिल जाती है एंड आई पर्सनली प्रिफर टू फेस्ड ओवर टाट कंसीलर हाई लाइटिंग भी मैंने सेम वे में है जैसे मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ स्टेप्स सारे सेम है भले ही प्रोडक्ट डिफरेंट है सारे स्टेप्स एकदम सेम है हाईलाइटिंग करने के बाद आई हैव एवरी थिंग विथ लूज पाउडर लूज पाउडर के लिए आई हैव यूज माई वेरी ट्रस्टेड एंड फेवरेट हुदा ब्यूटी का इजी बेक लूज पाउडर लग्जरी फाउंडेशन और कंसीलर्स से पहले मैंने हुदा ब्यूटी के लूज पाउडर में इन्वेस्ट किया था एंड एक ये लूज पाउडर से ही जो मुझे रिजल्ट मिला था द डिफरेंस इन माई बेस इट वॉज सो गुड हुदा ब्यूटी का ये लूज पाउडर इज द बेस्ट i have used so many loose powders affordable high-end everything but nothing beats huda beauty ka loose powder it sets your makeup so well it locks everything so well or just smoothness a hai basement, that is just so good after that आई हैव अप्लाइड थोड़ा सा लूज पाउडर अंडर आईज पे ता, अभी हम हैवी आई मेकअप करने मतलब सॉफ्ट कलर्स यूज करेंगे बट ग्लेटर्स एंड ऑल यूज करने वाले हैं तो फॉल आउट होगा ऑफकोर्स एंड वी डोंट वॉन्ट के हमारे बेस पे फॉल आउट हो तो थोड़ा सा लेयर ऑफ लूज पाउडर अंडर पे लगा के मैं उसे रेस्ट होने दूंगी जब तक मेरा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता नाउ क्रीज आई मेकअप करना इज वेरी सिंपल कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सबसे पहले तो आपको आई प्रेप करना है आई प्रेप करने के बाद आपको डार्क शेड से स्टार्ट करना है और एक डोम शेप क्रिएट करना है दोनों आइस पे डोम शेप आप आइस का जो नेचुरल शेप है हमारा क्रीज का वही फॉलो करके क्रिएट करोगे उस शेड को आपको छोटे ब्रश से ब्लेंड करना है और उसके बाद आपको एक मीडियम शेड ऐड करना है एग्जैक्टली वो कलर के थोड़ा सा ऊपर वो शेड ऐड करने के बाद आप उस शेड को ब्लेंड करोगे मीडियम वाले शेड को जब आपका एक बार मीडियम वाला शेड ब्लेंड हो जा रहा है उसके बाद आप एक थोड़े से फ्लफी ब्रश पे लाइटर शेड लोगे और जस्ट उसके ऊपर ऐड करोगे इससे एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा लाइट मीडियम और डार्क फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने सबसे फर्स्ट शेड लगाया था वो बहुत ज्यादा लाइट हो गया है तो आप थोड़ा सा डार्क शेड ऐड करके उसको इंटेंस कर सकते हो इसके बाद कुछ नहीं करना है जह, जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो वहाँ पे कंसीलर लगाना है और क्लाइंट को बोलना है ऊपर देखो जब क्लाइंट ऊपर देखेगा तो एक स्टैम्प क्रिएट हो जाएगा वो स्टैंप को आपको फॉलो करना है आइज के इनर कॉर्नर से फॉलो करके हाफ डोम शेप क्रिएट करना है एंड से वो डोम शेप की लाइंस को ब्लेंड करना है ताकि जो हमारा एंड में मैट कलर है और जो हमारा कंसीलर आ रहा है एंड तक उसमें एक स्मूथ ट्रांजिशन हो एंड में आपको स्लांट शेप में आई शेडो प्लेस करना है सेम हमारा डार्क लाइट और मीडियम अब जो हमारा कंसीलर वाला पार्ट है जितने एरिया पे हमने कंसीलर लगाया वहां पर आप मैट शेड ऐड कर सकते हो यू कैन गो शिमर्स ग्लिटर्स यहाँ पे मैंने शिमर्स ऐड किए उसके बाद मैंने ग्लिटर ग्लू लगा के ग्लिटर लगाया एंड दैट इज इट आप ये आई मेकअप को थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम क्लीन लाइन बनती है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है सेम शेड्स मैंने लोअर लैश लाइन पे लगाए हैं और ब्लेंड किया है काजल मैंने स्किप किया क्योंकि आईज ऑलरेडी बहुत छोटी छोटी सी थी तो न्यूट काजल दिया है ताकि आईज थोड़ी ओपन अप लगे लाइनर के लिए बहुत थिक लाइनर नहीं दिया अगेन पतला सा लाइनर उसी को स्मच किया है इनसे थोड़ा सा उसके बाद मैंने आई मैजिक का ब्लश पैलेट यूज करके पाउडर ब्रॉन्जिंग की है पाउडर ब्लश लगाया है ब्लश शेड भी बहुत वार्म सा यूज किया है ओवरऑल आई मेकअप और लिप शेड के साथ मैच हो और ये जो आई मैजिक का पैलेट है इट इज आल्सो वेरी गुड बिल्डेबल पैलेट है बहुत बिगिनर फ्रेंडली है एकदम ऐसे आ, हैवी पिगमेंट नहीं है इसके अंदर कि आप लगाओ और वो ब्लेंड ही ना हो पाए आराम से आप इसे यूज करके बिल्ड अप कर सकते हो कलर्स को इसके बाद मैंने अपने मेकअप को क्लीन लुक देने के लिए लूज पाउडर से आइस के नीचे और चीक बोन्स के नीचे काव आउट किया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा अगर ब्लश हो या ब्रॉन्जर हो तो वो क्लीन हो जाए और एक फिनिशिंग भी आ जाए मेकअप में आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड नाउ के लिए हमने हाफ लैशेज यूज की है बिकॉज मेरी मॉडल की जो आइस थी वो अगेन बहुत छोटी छोटी city. और अगर हम पूरी फुल लाशेस लगाते तो जो कट क्रीज हमारा दिख रहा है वो उतना दिख के नहीं आता प्लस आइज हो सकता है और छोटी दिखती इसके लिए सिर्फ एंड में लाशेस दिया है कि आइज लिफ्टेड भी दिखे और ओपन अप भी दिखे प्लस कंफर्टेबल भी फील हुआ आइज आई, पे आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड अ रेड लिप और ये लिपस्टिक इज फ्रॉम इनसाइड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल शेड और मैं अपनी ब्राइड्स को ये शेड हमेशा लगाती हूँ इट इज लॉन्ग लास्टिंग कम्फर्टेबल ओवरऑल अ वेरी गुड लिपस्टिक लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने पूरे फेस को अच्छे से स्प्रे किया है पाउडर हाइलाइटर लगाया है पाउडर हाइलाइटर लगाने के बाद आई हैव सेट द होल फेस विद माई फेवरेट फिक्सिंग स्प्रे एंड दिस इज़ अ कंप्लीट लुक आई होप यू गाइज इंजॉय डिट आप लोगों को न्यू न्यू टेक्निक सीखने मिली होगी और या आई मेकअप बेस मेकअप एवरीथिंग इज वेरी ईजी बस आप स्टेप्स फॉलो करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ और आपका मेकअप और अच्छा होते जाएगा एंड आल्स यू गाइज अगेन नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो टिल देन टेक केयर बाय